मेरे चैनल कुछ अच्छा बनाते में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ, ये देखिए, इन यमी यमी से दिखने वाली, देखते ही मुंह में पानी आ रहा होगा इन कप्स को आपको, तो ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं। ये मैंने व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड से बनाए हैं। मैंने आपको व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड को मेल्ट करना भी बताऊंगी और बहुत आसान तरीके से इन कप्स और प्लेट्स को बनाना भी बताऊंगी। तो आपके यहाँ ये जब भी आप बनाएंगे तो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और बड़ों को भी, और पेस्ट्री की तरह सर्व करूंगी। तो चलिए बनाते हैं अपने कप्स। तो यहाँ मैंने ले लिया है व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड, जो इस तरह के पैकेट में आता है, किसी भी आपको ये बेकरी शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। तो ये इस तरह के ब्लॉक्स में आता है, तो एक मुझे आज एक ब्लॉक की ज़रूरत है, तो मैंने इस तरह से इसको चाकू से कट कर लिया है। और हम इनको एकदम से एक ग्रेटर ले लेंगे और उसको ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो इसको कट भी कर सकते हैं, लेकिन कट की हुई चॉकलेट को मेल्ट करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप ग्रेट करके लेंगे तो वो चॉकलेट बहुत ही जल्दी मेल्ट होती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसको। और ये जो व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड के बारे में मैंने आपको बताया है, इसको आप फ्रिज में स्टोर करके नहीं रखना है, इसको आप बाहर ही स्टोर करके रख सकती हैं। इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है बाहर और ये आराम से स्टोर हो जाता है। देखिए, मैंने एक भगोनी ले ली है, उसमें आधा ग्लास के करीब मैंने पानी डाल दिया है। पानी हमें इतना डालना है कि जो बर्तन में हमने चॉकलेट ली है ना, वो पानी उस बर्तन से टच ना हो। तो आपको पानी कम ही लेना है और इसको बॉयल पे आना है। तो देखिए, ये बॉयल पे आ गया है। बस हम अपनी चॉकलेट लेंगे और इसके ऊपर से ऊपर रख देंगे। अभी हम इसको चम्मच से बिल्कुल भी टच नहीं करना है, इसको ऐसे ही हम छोड़ देंगे। और जब ये हल्की हल्की सी हमको एक मिनट के बाद मेल्ट होने लगेगी, और फ्लेम को आपको बिल्कुल से स्लो कर देना है, तेज़ फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखनी है। और हम इसको मेल्ट होने देंगे आराम से। तो मैंने यहाँ पर कांच का बाउल लिया है, आप चाहें तो स्टील का भी कटोरा ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कटोरा लीजिएगा जो भकोनी के ऊपर आ जाए, अच्छे से पानी से टच ना हो। और अब हम इसको मेल्ट होने देंगे। और हाँ, आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी आप कटोरा लेना, उस वो बिल्कुल भी पानी से भीगा हुआ नहीं होना चाहिए। जो स्पून ले वो भी नहीं, बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर चॉकलेट में बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर पानी जाएगा ना, तो हमारी चॉकलेट फिर काम नहीं करेगी जैसा हम चाहते हैं, वो ख़राब हो जाएगी पूरी। तो आपको पानी से इसको बचा करके रखना है। हम इसमें स्पून चला देंगे क्योंकि ये मेल्ट हो गई है हमारी, और फ्लेम को कर देंगे बंद। और थोड़ा सा ले लिया है मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल, क्योंकि ये थोड़ी सी गाढ़ी रहती है, हमको ये थोड़ी सी पतली कंसिस्टेंसी में चाहिए है, तो हम इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें कोकोनट ऑयल की जगह अगर आपके पास बटर हो ना, तो आप वो भी डाल सकते हैं। और हम इसको अब बस थोड़ी देर ही और रहने देंगे, उसके बाद नीचे उतार लेंगे। तो देखिए, हमारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। अब हम बस अपने कप्स बनाएंगे इससे। ये चॉकलेट मैंने थोड़ी ज़्यादा सी मेल्ट की थी, क्योंकि मेरे को इससे और भी चीज़ें बनानी थी। तो अब मैंने ले लिया एक सिलिकॉन का मोल्ड, ये आपको ऑनलाइन अमेजोन पे भी या आप किसी बेकरी शॉप से भी, जहाँ केक बनाने का सामान मिलता होगा ना, वहाँ मिल जाएगा आपको आसानी से। तो हम ले लेंगे ये, और इसको चम्मच से हम अपनी चॉकलेट लेते जाएंगे, उसको सभी जगह थोड़ा थोड़ा सा हम फिल कर देंगे। तो देखिए, मैंने इसी तरह से ये दो कप्स को कर दिया है, और बस हम 2 से 3 मिनट के लिए, अभी तो वैसे ठंडा है, ठंडक है, तो हम इसको बाहर ही छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको फ्रिज में रख दें केवल 2 मिनट के लिए। और अब मैंने ले लिया है यहाँ एक बटर पेपर, तो बटर पेपर पे हम अपनी वाइट चॉकलेट चम्मच से इस तरह से 2 राउंड शेप में फैला देंगे, और फिर उंगली की हेल्प से हम इसके लिए एक फ्लावर टाइप में इसको इस तरह से शेप देंगे। ये हम प्लेट बना रहे हैं। ये बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से बन करके तैयार हो जाती है। तो हम दोनों को देखिए, मैंने कर लिया है, अब 2 राउंड शेप में हम 2 और इस तरह से चॉकलेट को फैला लेंगे। तो ये इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए बाहर ही छोड़ देंगे, और ये आसानी से ठंडी हो जाएगी। तो देखिए, ये हमारे जो सिलिकॉन मोल्ड्स हैं ना, ये एकदम से जम गए हैं रखे रखे, अब 2 से 3 मिनट हो गए। अब हम इन पर एक और चम्मच से पतली पतली एक और जो चॉकलेट है ना, इसकी लेयरिंग कर देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस पर डबल कोटिंग ही करना है, और ध्यान रखिएगा अगर बीच में कोई जगह छूट जाए तो आप उसको भी उंगली से एकदम से आपको भर देना है, सभी जगह एक सी चॉकलेट होनी चाहिए। और बस फिर हम इसको दोनों को लेयरिंग करके फिर हम फ्रिज में डाल देंगे इन कप्स को अपने। देखिए, मैंने उंगली से इसको इस तरह से जहाँ जहाँ गैप्स है ना, उनको एकदम से हमको भर देना है। तो ये ठंडा रहता है तो आराम से हो भी जाता है। सेम प्रोसेस से मैंने दोनों कप को तैयार कर लिया है, अब बस हमें 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे।
तो देखिए ये हमारी जो प्लेट्स बनाई थी ना हमने, ये सेट हो गई हैं। आप चाहें तो अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप पॉलीथिन पे भी बना सकते हैं, उस पे भी आराम से निकल आएंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगी। और ये जो छोटे छोटे से सर्कल्स बनाए थे ना, इन पे हम थोड़ी सी अपनी मेल्ट चॉकलेट लगा देंगे इस तरह से, और इन जो हमने ये बड़े बड़े जो फ्लावर टाइप से बनाए थे ना, इनके ऊपर सेट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये छोटी छोटी दो प्लेट्स बन करके तैयार हो जाएंगी। ये नीचे से थोड़ा सा उठाव देने के लिए मैंने ये दो सर्कल्स बनाए थे ताकि देखने में सुंदर लगे। और अगर आपकी चॉकलेट थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए तो आप दोबारा से उसको गर्म पानी पर रख के मेल्ट कर सकते हैं। देखिए सिलिकॉन मोल्ड्स हमारे सेट हो गए हैं। अब हम इनकी साइड्स को इस तरह से उल्टा रख करके अपने कप को, साइड्स को आराम आराम से आपको ये काम करना है। पहले साइड्स को रिलीज कर लीजिएगा और कप को आराम आराम से ऊपर करके निकाल लीजिएगा। अगर आपका बाई चांस कप चटक जाए तो आप दोबारा से थोड़ी सी मेल्टेड चॉकलेट लगा दीजिएगा, तो वो फिर से उस चटकी हुई जगह से आप निकालना उसको बंद कर दीजिएगा, सेट हो जाएगा। और देखिए मैंने इस तरह से एक हैंडल बना लिए हैं। ये हैंडल्स का वीडियो बनाना मैं भूल गई थी। शेप में मैंने चम्मच से ही गोल गोल बटर पेपर पे इस तरह से दो बार कोट करके हैंडल बना लिए थे, तो आप भी आराम से ये यू शेप में हैंडल बना दीजिए। और देखिए अब हम प्लेट्स पे थोड़ी थोड़ी सी मेल्ट चॉकलेट डाल के इन कप्स को सेट कर देंगे। तो देखिए हमारे ये कप्स बन करके कितने सुंदर तैयार हुए हैं। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपके कप्स टूटते हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अगर पूरा टूट जाए तो आप दोबारा से उसको मेल्ट करके दोबारा से बनाइएगा। तो आपका अगर ऐसे ना बने तो आप 102 बार करेंगे ना, आपका कप बहुत सुंदर बन के तैयार होगा। मेरे पास एक स्पॉन्ज है तो मैं इसको, इस छोटे से स्पॉन्ज को कट कर लूँगी, और एक मेरे पास मैं नमक की शीशी का ढक्कन ले लूँगी और उससे अपने स्पॉन्ज को राउंड शेप में कट कर लूँगी। आप किसी भी चीज़ से कट कर सकते हैं, जिस भी शेप का आपके पास हो। और देखिए इस तरह से मैं कुछ अपने ये केक के पीसेस निकाल लूँगी फिर अपने कप्स को फिल करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले एक लेयर हम अपने कप में केक की डाल देंगे दोनों कप्स में, और फिर उसके बाद हम उसके ऊपर एक लेयर क्रीम की कर देंगे, और दोबारा से उसमें एक लेयर क्रीम की डालेंगे, और फिर एक केक का पीस रखेंगे। इस तरह से दो लेयर हो जाएंगे, और ऊपर से हम इस पे अपने क्रीम से पाइप कर देंगे। तो देखिए ये हमारे कप्स कितने सुंदर बन करके तैयार हुए हैं। ऊपर से हम इसमें थोड़ी थोड़ी सी चॉकलेट डाल देंगे, थोड़ी थोड़ी से बूंदों की तरह। तो देखिए हमारे दो चॉकलेट कप बन करके तैयार हो गए हैं, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और यमी लगते हैं। तो आप इस तरह से ये हमारे कप बनाइए, और प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर आप जब भी ये रेसिपी बनाएं कि आपको मेरी ये कप्स की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि मैं आपके साथ और भी अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर कर सकूँ। तो ये कप आप कब बना रहे हैं, आप चाहें तो ये स्मॉल केक किसी के बर्थडे पर भी मैं बना सकते हैं, मैरिज एनिवर्सरी पर भी, कभी भी बना सकते हैं जब भी आपका मन चाहे। तो देखिए मैंने दो चॉकलेट के टॉपर्स लगा दिए इसके ऊपर। तो अब मिलेंगे हम अपनी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।